बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संडे को आरएसएसपी की जो पूरी टीम है उससे आप लोगों का मुलाकात करवाने वाला हूं, तो मेरे साथ मौजूद है हमारे, मेरे अलावा चार और टीचर आप लोगों को दिख रहे हैं। ये क्या करेंगे आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से 2024 बोर्ड की तैयारी करवाएंगे कि आप 2024 बोर्ड में आग लगा सको, समझ लो। इसके अलावा आपको करना क्या है, देखो अभी ये सारे टीचर ना एक्टिव मोड में नहीं है, मेरे को भी नजर नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे आप लोगों के लिए, तो आपको क्या करना है, दबा के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, जिस सब्जेक्ट की वीडियो आप चाहते हो उस सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट करो, ताकि ये सारे टीचर आ जाए एक्टिव मोड में और आप लोगों के लिए धराधर वीडियो बनाना शुरू करें, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले नितेश तिवारी सर, दीपक सर हमारे साथ मौजूद है, अमर सर, गोविंद सर, सबसे पहले हम शुरू करेंगे नितेश तिवारी सर से। नमस्कार दोस्तों, जैसा रोशन सर ने बताया मेरा नाम नितेश तिवारी है और ऑनगोइंग जो आपका लगभग 2024 आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें हिंदी को मैं पढ़ाने वाला हूँ 11th क्लास, और जितना आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से लगातार वीडियोस भी आती रहेंगी। इसी के साथ अगर आगे चल के तो आपका जो सीयूईटी है एंड आपका ग्रेजुएशन, वहां पर पॉलिटिकल साइंस जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। दीपक सर से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2024 के जो एग्जाम के लिए जो ज्योग्राफी की जो वीडियो होंगी, तो अगर आप जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा मैं वीडियो लेके आऊंगा और बेहतर से बेहतर वीडियो को मैं कोशिश करूंगा लाने के लिए, ठीक है ना। और आपका सैंपल पेपर भी कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना सॉल्व कराने के लिए, तो आप लोगों पर बस डिपेंड करता है आप लोग कितना हम लोगों को सपोर्ट करते हो। बाकी सर अब हम अपने अमर सर से बात करते हैं जो कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश के साथ साथ अगर कोई और दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी स्पेशली मैंने इंग्लिश के लिए इनको रखा है। तो अमर सर नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है रोशन सा स्टडी पॉइंट पे हम आपके लिए आने वाले साल में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से करा सकते हैं, जिसके लिए आज ये पूरी टीम मौजूद है यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं आपको इंग्लिश की कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा रोशन सा स्टडी पॉइंट के द्वारा। तो जितने भी बच्चे हैं रोशन सा स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी चाहते हैं कि वो अपना करियर भविष्य में और अच्छा कर सके, तो हमारे इस चैनल के साथ चलना उनका कर्तव्य बनता है। और देखिए अभी जो बोर्ड का एग्जाम आप लोग दोगे उसके बाद आप सीयूटी और कुछ बच्चे ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी आपको मैं ही कराऊंगा, इंग्लिश के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेजुएशन के लिए, और सीयूटी की प्रिपरेशन भी आपको हमारी टीम कराएगी। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, कमेंट करके आपको जिस चीज में प्रॉब्लम है आप उस चीज के रिगार्डिंग आपका अपना कमेंट मेंशन कर सकते हैं, और अगर हमारे किसी टीचर ने आपका कमेंट देगा तो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। अब हमारे साथ मौजूद है गोविंद सर जो कि आपको समाज शास्त्र के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन की तैयारी भी करवाने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले दामिनी मैम थी जो कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती थी, लेकिन अब क्योंकि दामिनी मैम हमारे साथ मौजूद नहीं है तो वो जिम्मेदारी हमारे गोविंद सर उठाने वाले हैं। तो गोविंद सर नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा, जो मैं आपको समाज शास्त्र 11th क्लास के लिए पढ़ाऊंगा और उसके अलावा मैं आपके लिए पूरा सिलेबस कराऊंगा, साथ ही साथ आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूं, और उसके अलावा मैं आपको टेस्ट सीरीज और सबसे बड़ी बात आपको सैंपल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। मैं अगर अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन है एमए बीएड और 2 times सीटेट क्वालिफाइड। थैंक यू। तो सभी टीचर्स ने अपने बारे में लगभग बता दिया है और किस तरीके से आप लोगों की तैयारी करवाने वाले हैं उसके बारे में बता दिया है, तो मेरे को भाई पूरा उम्मीद है कि आप लोग जितना सपोर्ट मेरे को दिया है, आप लोगों ने यहां तक पहुंचाने में मेरे को योगदान दिया है, उतना ही इन सभी टीचर को आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि भाई देखो वीडियो सभी टीचर्स बना रहे, लगभग ज्योग्राफी के टीचर की हम बात करें, दीपक सर की बात करें, काफी लंबे समय से वीडियो बना रहे हैं लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहता है। आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं वीडियो बनाऊं, रोशन शाह जो मतलब रोशन शाह आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की वीडियो भी लेके आए या हिंदी की वीडियो लेके आए या फिर इंग्लिश की वीडियो लेके आए, भाई इतने सारे सब्जेक्ट को मैं अकेले नहीं पढ़ा सकता, तो इसीलिए मैंने ये टीम आप लोगों के लिए ही बनाया है। मैं चाहता हूं कि भाई आपने जितना सपोर्ट मेरे को किया है मेरी पूरी टीम को भी करे, ताकि हम लोग आपके लिए काम कर सके, हम आपके लिए, ये पूरी टीम किसके लिए बनेगी, आप लोगों के लिए, और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे आपके बिना सपोर्ट के ये टीचर्स भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि भाई रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे अब सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट नहीं मिलेगा, सारे सब्जेक्ट पूरे 8 स्ट्रीम को हम कवर करवाने वाले हैं,
और पूरे आप कहीं भी YouTube चैनल पर जाएंगे, सभी YouTube चैनल वालों से हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं, तभी तो हमारे चैनल पे आप आओगे। अगर हम आपको बेहतर कंटेंट नहीं देंगे तो आप हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग मेरी पूरी टीम को सपोर्ट जरूर करेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।